खबरें जो रखती हैं आपसे सरोकार और हमारी स्पेशल रिपोर्ट भी, लेकिन सबसे पहले खेल के मैदान की हलचल रवीश के साथ। शुक्रिया अभिनाज। और कल केप टाउन में विराट कोहली के बल्ले से बड़ा धमाका हुआ। विराट कोहली ने एक और शतक लगाया और अब क्रिकेट वर्ल्ड में बहस इस बात को लेकर है कि कितनी जल्दी विराट कोहली सचिन तेंदुलकर के वनडे क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतकों के रिकॉर्ड के करीब पहुंचेंगे। 34 शतक विराट कोहली के नाम हो चुके हैं और मौजूदा दौर के जितने भी बल्लेबाज हैं उन सब में से विराट कोहली काफी आगे निकल चुके हैं। लेकिन अफ्रीका के खिलाफ सीरीज में विराट कोहली ने 3 मैचेस में 2 शतक लगा दिए, यानी कि अफ्रीका पर तो विराट अटैक हो चुका है। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मनिंदर सिंह भी जुड़ गए। मनी सर, किस तरीके से देखेंगे केप टाउन में जो शतक विराट कोहली ने लगाया, 34 शतक वनडे क्रिकेट में पूरे कर लिए? बिल्कुल, रन मशीन बन चुके हैं, बेहतरीन पारी खेली है। और उन्होंने, मुझे एक चीज़ याद आती है, विविन रिचर्ड्स के साथ जब हम क्रिकेट खेला करते थे, उनके साथ कभी बैठते थे, तो वो एक ही बात कहा करते थे कि मुझे जो दुनिया के बाकी बैट्समैन हैं उनसे बॉल फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड जल्दी नज़र आती है। और मुझे ऐसा लगता है विराट कोहली के साथ भी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो लेंथ को बहुत जल्दी पिक करते हैं, क्योंकि जिस तरह के वो शॉट्स खेलते हैं उससे पता चलता है कि उनका फोकस कॉन्सेंट्रेशन लेवल इतना हाई है कि उनको बॉल थोड़ा सा बाकी दुनिया के बैट्समैन से पहले नज़र आता है। और जिस तरह से वो गैप्स ढूंढते हैं, ये ग्रेट प्लेयर्स की निशानी होती है। जिस तरह की लय में है विराट कोहली, आप देखिएगा ये रिकॉर्ड बनते चले जाएंगे, क्योंकि उनका फोकस और कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई है और डिटर्मिनेशन मेरे ख्याल से बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि उनका बहुत ज़्यादा। जी हाँ मनी सर, आपने रिकॉर्ड्स की बात की, आपने कहा कि रिकॉर्ड्स विराट कोहली के बल्ले से और बनते जाएंगे, और ऐसा लग रहा है कि 2018 में विराट वो जो 40 शतकों का आंकड़ा है ना, उसको छू सकते हैं, क्योंकि इस रेस में सबसे आगे विराट कोहली नजर आ रहे हैं। मनीष सर, क्या लग रहा है जिस तरीके से विराट कोहली क्रिकेट खेल रहे हैं, जिस तरीके से विराट कोहली टीम को जीत दिला रहे हैं, क्या कोहली की नज़र 6-0 पर है? देखिए, विराट कोहली ने तो ऐसा ही कहा है कि अभी काम अधूरा ही हुआ है, अभी पूरा नहीं हुआ है, और उससे उनकी बात से यही लगता है कि वो 6-0 से जीतना चाहते हैं। जो पहले 2 टेस्ट मैचेस हारे थे, फिर तीसरा जीते, 2-1 से टेस्ट सीरीज तो हार गए, लेकिन उसकी भरपाई वनडे मैचेस में करना चाहते हैं। 3 तो जीत चुके हैं और मुझे ऐसा नहीं लगता कि किसी भी स्टेज पर ये टीम कंप्लेसेंट होगी, और इसकी कोशिश यही होगी कि सभी 6 के 6 वनडे जीते जाएँ, ताकि 6-0 से इस सीरीज़ को जीता जाए और एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया जाए। जी हाँ बिल्कुल, और विराट कोहली का जो बल्ला लगातार रन की बारिश कर रहा है, कह सकते हैं लगातार हर मैच में रन बना रहा है, लेकिन इसके पीछे विराट कोहली की फिटनेस का अहम रोल रहा है। किस तरीके की फिटनेस विराट कोहली ने अपनी बनाई और क्या उनकी डाइट रहती है, आइए आपको दिखाते हैं। जिम में पसीना बाहर रहे, ये है टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली, जो सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं बल्कि फिटनेस के मामले में भी अव्वल रहना पसंद करते हैं। विराट एक्सरसाइज पर खास ध्यान देते हैं और उनके दिन की शुरुआत ही जिम में ट्रेनिंग के साथ शुरू होती है। विराट हफ्ते में 5 दिन जिम में एक्सरसाइज करते हैं। जिम में उनका रूटीन 1 से 2 घंटे का होता है। अगर वो जिम में नहीं जाते तो वो घर में ही वर्कआउट करते हैं। विराट ने अपने घर में भी जिम बनाया हुआ है, जिसके वीडियो वो अक्सर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते रहते हैं। विराट सिर्फ बॉडी बिल्डिंग पर ही फोकस नहीं करते, बल्कि वो मानते हैं कि कार्डियो भी बेहद जरूरी है। इसके अलावा विराट रेस्ट पर भी पूरा ध्यान देते हैं, और विराट का मानना है कि बॉडी तब ग्रो करती है जब उसे प्रॉपर रेस्ट मिलता है। लेकिन विराट के रूटीन में सबसे अहम है उनकी डाइट। विराट फिट रहने के लिए क्या खाते हैं, खुद सुनिए विराट कोहली की जुबानी। ऑमलेट खाता हूं मैं, 3 एग वाइट्स, 1 होल एग, स्पिनच, ब्लैक पेपर चीज, सम ग्रिल्ड बेकन और स्मोक सैल्मन अलोंग विद इट। पपाया खाता हूं, ड्रैगन फ्रूट इफ अवेलेबल, वाटरमेलन, eat decent amount of cheese for good fats. Yeah. And then after that I carry my own nut butters. And then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. Usme laga ke khata hun. And then a nice big pot of green tea with lemon. Uske 3-4 cup hote hain. Kohli raat ko halka khana khate hain. Aur jab wo match khel rahe hote hain, to raat mein sirf protein shake ya salad khana hi pasand karte hain. कोहली जंक फूड खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और अल्कोहल और स्मोकिंग से भी दूर रहते हैं। इसके अलावा विराट पीने के पानी का भी पूरा ध्यान रखते हैं और वो सिर्फ मिनरल वाटर ही पीते हैं। ये विराट की लाइफ का डिसिप्लिन ही है कि वो दुनिया के फिट खिलाड़ियों में शुमार किए जाते हैं और उनकी फिटनेस का हर कोई कायल है। इस फिटनेस ने ही विराट को एक अलग मुकाम तक पहुंचा दिया है, जहां वो मौजूदा दौर के खिलाड़ियों से काफी आगे निकल गए हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ नेशन।
ये तो थी विराट की फिटनेस की बात, लेकिन अब बात करते हैं भारत के यंग स्पिनर्स यजवेंद्र चहल और कुलदीप यादव की, जिन्होंने केप टाउन वनडे में एक बार फिर से धमाल मचाया, चार चार विकेट दोनों ने लिए और साउथ अफ्रीका की पारी को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया।